हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के इस वीडियो में हम लोग एक सर्कल अरेंजमेंट देखेंगे, एक सेट हम लोग डायरेक्शन का देखेंगे, प्लस कोडिंग एंड डिकोडिंग देखेंगे। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना चाहिए, और ये जो आपके अपकमिंग डेज में जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके प्रिलिम्स के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग ऑलिव बोर्ड की साइट को विजिट कर सकते हैं, साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज़ है उसे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। वहाँ से जाकर आप लोग जो फ्री मॉक है उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाइनीज कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो वैसे तो देखो, आपका जो प्री एग्जाम होता है उसमें चाइनीज कोडिंग एंड डिकोडिंग ही आती है, बाकी जो आपकी सिंबल्स अल्फाबेट जो दूसरा पैटर्न है एडवांस वाला, वो आपका मेंस में पूछा जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड, तो मैंने इसकी एक सीरीज बनाई थी जिसमें 4 to 5 वीडियोज मैंने बनाई है, और उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से आप किसी भी कोडिंग एंड डिकोडिंग को बहुत ही आराम से क्रैक कर सकते हैं, किसी भी कोड को आप डिकोड बहुत ही आराम से कर सकते हैं जो सिंबल्स एंड नंबर्स वाले होते हैं। तो उसमें स्टेप वाइज आपको क्या क्या देखना चाहिए, उन सारी चीजों को मैंने वहां पे एक्सप्लेन करा है। तो अगर आपको उसमें कोई भी दिक्कत आती है, तो आप अपने मेंस से पहले, या मेंस से पहले क्या, अपनी प्रिपरेशन तो आप कंटिन्यू ही रखिए, ठीक है? चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, पढ़ना आपको रीजनिंग और मैथ्स एक सा होता है, ठीक? तो उनको जाकर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आराम से, फिर आप लोग को जो कोडिंग एंड डिकोडिंग है उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक? क्योंकि एग्जाम में देखो, जो आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं, जो आप लोग मॉक देते हैं, उसमें थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आपका जो एग्जाम का पैटर्न आता है उसमें बस बहुत ही मतलब आपका जो लॉजिक होता है वो छोटा ही लगता है, ज़्यादा टफ लॉजिक नहीं लगते हैं, ठीक? तो थोड़े से में ही आप उसको बहुत आराम से क्रैक कर लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे आपको क्या बताना है, रिमेम्बर का कोड बताना है। सो रिमेम्बर यहाँ पे गिवन है, तो या तो आपको किसी एक सेंटेंस में, किसी एक जगह पर या तो आपको खाली रिमेम्बर मिल जाए, या फिर वाइज ड्रॉप स्माइल आपको बाकी जगह मिल जाए, ठीक? तो देखो, क्या रिमेम्बर है यहाँ पे कहीं और? रिमेम्बर कहीं और नहीं है, तो आपको वाइज ड्रॉप और स्माइल मिलना चाहिए। अगर मान लो वाइज ड्रॉप और स्माइल तीनों में से कोई भी एक अगर बाकी जगह नहीं दिया होगा, तो आप सीधा सीधा आंसर क्या लगा दोगे? सी एन डी, ठीक? आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा सीधा सी एन डी लगा दोगे। लेकिन अगर आपको वाइज ड्रॉप स्माइल मिल जाता है, तो जो भी लास्ट में बचेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक? तो यहाँ पर वाइज है, यहाँ पर वाइज है, फिर ड्रॉप है और यहाँ पे ड्रॉप है, यहाँ पे स्माइल है, यहाँ पे स्माइल है, ठीक? तीनों है। तो यहाँ पर देखो, गॉट एंड गॉट मिल रहा है, ओके, एच यू टी हट मिल रहा है, आर यू एम मिल रहा है, और फिर यहाँ पर क्या है, बी आई एन। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे जो बचा है बी आई एन, ठीक है? आगे कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कोड फॉर कीप हर वाइस। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं इसका कोड क्या होगा, कीप हर वाइस का। तो यहाँ पर देखो, कीप कहाँ लिखा गया है, कीप यहाँ लिखा गया है, एंड इसके अलावा कीप कहीं और है क्या? कहीं और नहीं है, यानी कि आपको स्माइल और साइड मिल जाए। तो देखो, स्माइल यहाँ पर है, साइड यहाँ पर है, ठीक? जो बचेगा वो कीप का कोड होगा। तो यहाँ पर देखिए, HUT एंड HUT आपका गिवन है, ठीक है? SIT गिवन है, लेकिन FE गिवन नहीं है, यानी कि आपका कीप का कोड क्या होगा, FE। हर का कोड क्या होगा? देखो, हर यहाँ पर कहीं भी गिवन नहीं है, ठीक? जब कहीं भी गिवन नहीं है, तो इसका कोड एक ऐसा कोड होगा जो कि यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया गया हो, ओके? उसके बाद आता है आपका वाइज। वाइज में आप देखोगे तो वाइज यहाँ पर दिया गया है, इसके अलावा वाइज कहीं और है क्या? हाँ, यहाँ पर भी है, तो वाइज दो जगह है। तो आप देखो, इन दोनों में सिमिलैरिटी होगी, इनके कोड सेम होगा, तो आर यू एम दोनों सेम है, यानी कि वाइज का कोड क्या होगा, आर यू एम, ठीक? अब देखो, एफ ई और आर यू एम दोनों का यूज किस ऑप्शन में करा गया है? तो फर्स्ट वाले में देखो, एफ ई आर यू एम दिया गया है, लेकिन साथ में क्या दिया गया है, आर ई। हर का कोड आर ई तभी हो सकता है जब इसका यूज यहां पर कहीं नहीं किया गया हो, लेकिन आर ई का यूज यहां पर किया गया है, इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं होगा। सेकंड में देखोगे तो आर यू एम एफ ई गिवन नहीं है, थर्ड में देखोगे तो आर यू एम और एफ ई गिविन है, और हर का कोड इन्होंने क्या लगाया है, आर ओ। तो देखो, क्या आर ओ आपका बाकी सेंटेंस जो गिविन है उनके कोड में कहीं गिविन तो नहीं है? तो यहाँ पर आप देखोगे आर ओ कहीं भी नहीं दिया गया है, तो कहीं भी नहीं दिया गया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गिवन है डैट शू, तो डैट कहाँ पे गिवन है, यहाँ गिवन है, तो डैट कहीं और है क्या, नहीं। तो इसके अलावा ड्रॉप कहीं और है क्या, हाँ यहाँ पे ड्रॉप गिवन है, तो दोनों का कोड फाइंड करो, जो बचेगा वो डैट का कोड होगा, तो
यहाँ पे गॉट एंड गॉट ये मिल गया। वाई ई जो कोड है वो किसका होगा, डैड का होगा। अब आता है आपका शू, तो शू तो यहाँ पर भी गिवन है, या तो आपको कहीं और शू मिल जाए या फिर वाइज मिल जाए। तो आप देखो कि वैसे तो आपको वाइज भी मिल रहा है यहाँ पे और शू भी मिल रहा है, दोनों में से कुछ भी ले लो। ठीक, यहाँ पे देख लो शू का कोड, इन दोनों में आपका कोई एक कोड सिमिलर होगा, वही कोड आपका शू का होगा। तो यहाँ पे आर ई गिवन है, तो यहाँ पर शू का कोड क्या होगा, आर ई। तो वाई ई आर ई यहाँ पर होना चाहिए करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए, इसका आंसर लगभग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके अब मूव करते हैं हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट पे। तो एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी हिंदी वाले पर्सन है वो इसको रीड कर ले एंड इंग्लिश वाले पर्सन भी इसको यहाँ पे रीड कर ले, तो समझाने में थोड़ी सी आसानी रहती है। और क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करा करो, क्वेश्चन जब तक आप खुद से अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक आपको पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और मेंस में कभी भी आपका करा हुआ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आता है, वहां पर सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, रीजनिंग सिर्फ उसी से सॉल्व होती है। तो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, चाहे आपको 30 मिनट लगे चाहे 3 दिन लगे, ठीक, लेकिन क्वेश्चन खुद से जरूर सॉल्व करिए। उसके बाद आप अप्रोच देखिए कि दूसरे ने किस अप्रोच से सॉल्व करा है, अप्रोच दूसरे की जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपकी गलत होगी तभी तो आप सीखेंगे कि आपने क्या क्या गलती करी, दूसरे ने किस पॉइंट को उठाया जिससे कि उसने उस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किया। ठीक, तो खुद से सॉल्व करने का मतलब ये भी नहीं है कि आपने 3 दिन में एक पजल सॉल्व कर ली तो ठीक है, नहीं, आपने सॉल्व करी अच्छी बात है, आपने अपना दिमाग लगाया, लेकिन आपको अप्रोच देखना भी जरूरी है दूसरे की। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम बना लेती हूँ। मे भी हमारे 2 ही 3 बने, बट मैंने ये बना लिए हैं ओके, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 8 persons आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट द पर्सन सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर विल बोथ फेस टुवर्ड द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके 8 persons बैठेंगे सर्कल के चारों ओर, ठीक है, प्लस आपका इन्होंने ये कहा है कि इसमें से कुछ पर्सन आपका आउटसाइड देखेंगे, कुछ इनसाइड देखेंगे, एंड जो पर्सन एक दूसरे के अपोजिट बैठेंगे वो सेम डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक, अगर ये पर्सन आपका आउटसाइड देख रहा है तो उसके सामने वाला भी आउटसाइड देखेगा, अगर यही पर्सन आपका इनसाइड देख रहा है तो उसके सामने वाला भी इनसाइड ही देखेगा। ओके देखो यहां से क्या कहा गया है, क्यू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ए एंड दे आर फेसिंग टूवर्ड द सेम डायरेक्शन। तो इन्होंने ये कहा है कि क्यू जो है वो सेकेंड टू द राइट है ए के, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो आप देखोगे कि यहां पर अगर मान लो दोनों ही इनसाइड देखें तो क्यू जो है वो ए के सेकेंड टू द राइट में जाएगा, तो क्यू यहां पर आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन देखेंगे, यानी इनके इनके सामने वाले भी कैसे देखेंगे, इनसाइड देखेंगे, प्लस अगर यही कैसे देखे बाहर की ओर देखे दोनों, तो ए यहां पर और क्यू यहां पर आएगा, और ये दोनों कैसे देखेंगे, बाहर की ओर देखेंगे इनके सामने वाले भी। ठीक, इसके बाद आगे कह रहे हैं सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी एंड दे आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सी जो है वो इमीडिएट राइट है वी के, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं। तो अभी देखो पॉसिबिलिटी रहेगी काफी सारी, है ना, क्योंकि अभी काफी सारा स्पेस है। तो अभी आप खाली इसको लिख लो कि सी जो है वो वी की इमीडिएट राइट में जाएगा एंड दोनों कैसे देख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं। ओके प्लस आगे कह रहे हैं टी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, टी जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट है डी के। ओके प्लस डी इज नॉट अ नेबर ऑफ क्यू और ए एंड इज फेसिंग इनवर्ड। अब देखो इसको हम फिक्स कर सकते हैं कैसे, डी जो है वो क्यू और ए का नेबर नहीं है और ये इनवर्ड देख रहा है। ठीक, अगर मान लो डी आपका यहां पर आता है तो 1 2 3 टी यहां पर आ जाएगा। ठीक, अगर मान लो डी यहां पर आता तो 1 2 3 आपका टी जो है वो यहाँ पे नहीं आता, अगर डी यहां पर आता तो 1 2 3 टी यहां आ सकता है। ठीक, तो दो पॉसिबिलिटी है, इन दोनों पॉसिबिलिटी को हम बना लेंगे कि अगर डी यहां पर आता तो 1 2 3 टी यहां आ जाता। ठीक, इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो आपका जो डी है वो आउटसाइड तो देख नहीं रहा, इनसाइड देख रहा है, और क्यू का नेबर नहीं है, यानी कि डी की खाली एक ही कंडीशन आएगी ये वाली, और अगर इसमें ये इनसाइड देखेगा तो 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट में क्या टी दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, यानी कि ये कंडीशन तो कट गई, लेकिन एक डायग्राम आपका दूसरा बनकर आ गया है, एक कट गया लेकिन दूसरा बनकर आ गया है। आगे देखते हैं, इसको आप हटा दो, उसे आपने फिक्स कर दिया है। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि L इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, L जो है वो क्या है, सेकेंड टू द लेफ्ट है किसके, F के,
एंड दे आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों कैसे देख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं. ठीक, वी इज नॉट नेबर ऑफ एल और ए, तो आपका वी जो है वो एल और ए का एडजसेंट नहीं आएगा. ठीक, अब इसको फिक्स करते हैं. तो देखो इसको पिक कर लो, वी एंड सी को. वी एंड सी को क्यों, क्योंकि लगातार आएंगे ये, है ना, हमें लगातार जगह खाली चाहिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे. तो फर्स्ट वाले कंडीशन में अगर मान लो वी यहां पर आता, तो क्या इसके साइड में या फिर क्या इसके इमीडिएट लेफ्ट में क्या आप सी दे पाते, नहीं दे पाते. इमीडिएट राइट, ओके ये इमीडिएट राइट है, आई एम सॉरी. तो वी जो है अगर वो इनसाइड देख रहा है तो सी यहाँ पर आ सकता है. ठीक है, ये ठीक था, मैंने इसे लेफ्ट समझ लिया, इसको ठीक कर लेते हैं. ये राइट में है, इसकी इमीडिएट राइट में है, तो सी यहाँ पर आ जाएगा. लेकिन यहीं पर एक कंडीशन आपकी और बनेगी कि अगर मान लो वी यहाँ पर हो और ये कैसा देखे, आउटसाइड देखे, तो सी यहाँ आ सकता है ना. अब इस कंडीशन में आ जाओ, तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि अगर मान लीजिए आपका वी यहाँ पर आता है तो सी यहाँ आ सकता है ना. इसी कंडीशन में आपकी और भी कंडीशन बनेंगी कि अगर मान लीजिए आपका वी जो है वो ए का नेबर तो नहीं है, लेकिन यहां पर आ सकता है ना, और अगर ये आपका इनसाइड देखिए तो सी यहां पर आ सकता है, नहीं आ सकता है. क्यों, क्योंकि यहां पर आपका क्या कहा गया है कि यहां पे जो वी और सी हैं वो इस तरीके से बैठेंगे कि उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसे हो, अपोजिट हो. ठीक, तो इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं होगी, खाली ये वाली बनेगी, ये बनेगी और ये बनेगी. ओके, तो इसको आप हटा दोगे. फिर एफ के सेकेंड टू दी लेफ्ट में एल आएगा, और एल जो है वो वी का नेबर नहीं होगा, तो यानी कि यहाँ पर आपका एफ आएगा और यहाँ पर एल आएगा. इस कंडीशन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपका एफ और यहाँ पर एल, और यहाँ पर एफ और एल इस तरीके से भी आ सकता है. ठीक, यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है वो इस तरीके से बन सकती है. अब देखो यहां पर आपको ये कहा गया है वी और सी अपोजिट देखेंगे, तो वी इनसाइड देख रहा है तो इसमें सी आउटसाइड, इसमें आपका वी इनसाइड देख रहा है तो इसमें सी आउटसाइड. ठीक, प्लस आपका सी आउटसाइड देखेगा तो उसके सामने वाला भी आउटसाइड, इसमें आपका सी आउटसाइड देखेगा तो उसके सामने वाला भी आउटसाइड. ठीक, अब आप देखो एफ के सेकेंड टू दी लेफ्ट में एल आना चाहिए, तो एफ के सेकेंड टू दी लेफ्ट में एल आना चाहिए, तो आप इसे इनसाइड दे देंगे तो ये ठीक हो जाएगा. इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका क्या आएगा, अगर मान लो यहां पर एफ आता है, ठीक, तो सेकेंड टू दी लेफ्ट में यहां पर आएगा आपका L, क्या L यहाँ पर आ सकता है, नहीं आ सकता है, इसलिए आपका L यहाँ पे नहीं आएगा और F यहाँ नहीं आएगा. ठीक, अब F अगर मान लो यहाँ नहीं आएगा तो F यहाँ आना चाहिए और L यहाँ आना चाहिए. ठीक है, अगर मान लो आप कैसे बैठालते हो इसको, इनसाइड बैठालते हो. ठीक, अगर आपने इसे इनसाइड बैठाला तो इसके सेकेंड टू दी लेफ्ट में वन एंड टू, क्या आप सी यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं. ठीक, क्योंकि क्या आप एल यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या है आपका सी फिक्स है. इसका मतलब आपका यहाँ पे जो एफ है वो कैसे देखेगा, आउटसाइड देखेगा, और आउटसाइड देखेगा तो आपका एल यहाँ पर आ सकता है. ठीक, अब ये आउटसाइड देखेगा तो सामने वाला भी आउटसाइड देखेगा, और ये इनसाइड देखेगा तो सामने वाला भी इनसाइड देखेगा. ठीक है, फिर इसके बाद ये कहा गया था कि वी जो है वो किसका नेबर नहीं होगा, एल और ए का नेबर नहीं होगा, तो वी यहाँ पर एल और ए का नेबर नहीं है, यहाँ पर भी वी एल और ए का नेबर नहीं है. कोई लाइन मिस हो गई है क्या? अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज ये भी कही गई है कि L और F दोनों अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखो L और F दोनों सेम देख रहे हैं, इसलिए कंडीशन कट हो जाएगी, आंसर आपका इसमें आना चाहिए. लेकिन अभी ये कंडीशन भी बची है तो इसमें भी फिक्स करके देख लो. यहाँ पर आप देखोगे तो ये बाहर देख रहा है, तो यानी कि ये भी बाहर देखेगा. ठीक, अब F के सेकेंड टू दी लेफ्ट में आपका L आना चाहिए, तो अगर आप F यहाँ लिखते हो तो क्या आप L यहाँ पे दे सकते हो, नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे तो आपका T फिक्स है. ठीक, ये Q है, यहाँ पे तो आपका क्या फिक्स है, T, यानी कि आपका F यहाँ ना आके आपका F कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर L आएगा. लेकिन L जो है वो F के लेफ्ट में तभी आ सकता है जब ये भी बाहर देखे, और बाहर हम दिखा नहीं सकते क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, जबकि ये कैसे हो जाएगी, सेम, इसलिए ये कंडीशन भी कट हो जाएगी, आंसर आपका इसमें आएगा, तो ये होगा करेक्ट आंसर. ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है, सो डी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका. चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. थर्ड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है क्यू के, तो 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट में सी बैठा है, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा. देन हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन बिटवीन डी एंड वी टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ डी, डी और वी के बीच में आपके कितने पर्सन हैं अगर आप डी के लेफ्ट से काउंट करोगे, तो 1 2 3 4 5, 5 आएंगे. ठीक, मोर देन 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, डी इज सिटिंग अपोजिट टू क्यू, नहीं ये तो ट्रू नहीं है. एल इज सिटिंग अपोजिट टू वी, एल जो है वो अपोजिट है वी के, नहीं ये भी नहीं है. टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, हाँ ये ठीक है, ये करेक्ट है, तो आपका थर्ड होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. चलिए डायरेक्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं.
यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मनीषा वॉज ड्राइविंग अ कार इन अ रेस ट्रैक एंड हैड टू कवर डिफरेंट चेक पॉइंट्स. दीज चेक पॉइंट्स वर लेबल्ड विद डिफरेंट फ्लैग नेम्ड अल्फाबेटिकली. ठीक है, शी स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए विच वॉज 10 मीटर वेस्ट ऑफ फ्लैग सी. तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट ए जो है वो 10 मीटर वेस्ट में होता है किसके, सी के. ओके, देन फ्लैग डी वॉज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ फ्लैग जी. तो आपका डी जो है वो 10 मीटर नॉर्थ में है किसके, जी के. देन ई वॉज 10 मीटर साउथ ऑफ बी. तो ई जो है वो 10 मीटर साउथ में है बी के. ओके, यहाँ पे किसी से भी कनेक्ट नहीं है इसलिए हम लोग अलग अलग लिख रहे हैं, बाद में इनको प्लस करते जाएंगे. आगे कह रहे हैं फ्लैग एफ वॉज 20 मीटर साउथ ऑफ फ्लैग सी. कि आपका फ्लैग एफ जो है वो 20 मीटर साउथ में है फ्लैग सी के. तो आपका एफ जो है वो कैसे आ जाएगा, 20 मीटर साउथ में आ जाएगा. ओके, देन फ्लैग बी वॉज 15 मीटर ईस्ट ऑफ फ्लैग डी. तो आपका बी जो है वो फ्लैग ईस्ट में है किसके, बी डी के. ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे इसको हम ठीक कर लेते हैं. बी यहाँ पे 10 मीटर और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ई. ठीक, और बी जो है वो ईस्ट में है 15 मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा डी. राइट, देन फ्लैग जी वॉज 15 मीटर ईस्ट ऑफ फ्लैग एफ. अब जी जो है वो आपका ईस्ट में है कितना, 15 मीटर एफ के. तो यानी कि आपका इसे कनेक्ट कर लोगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा 15 मीटर, ये 10 मीटर है तो डी यहाँ पर रहेगा. ठीक, इसको आप हटा दो और इससे आप ये वाला कनेक्ट कर लो, डी के 15 मीटर ईस्ट में बी आ जाएगा और बी के 10 मीटर साउथ में क्या आ जाएगा, ई. तो आपका ई जी और एफ ये तीनों सेम लाइन में होंगे, डी एंड बी तो आपका सेम में है ही. ठीक है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर. यहाँ पे पोजीशन बतानी है एफ की विद रिस्पेक्ट टू बी की विद रिस्पेक्ट टू एफ. तो बी की पोजीशन एफ के रिस्पेक्ट में क्या है, ये क्या है, नॉर्थ और ईस्ट. तो आंसर क्या होगा इसका, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा. देन वट इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग एफ एंड फ्लैग ई. एफ और ई के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 15 ये है 15 ये है, टोटल कितने हो जाएंगे, 30. सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा. देन इन विच डायरेक्शन वॉज फ्लैग एफ विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग डी. फ्लैग एफ की पोजिशन क्या है फ्लैग डी के रिस्पेक्ट में, तो क्या पोजिशन है इसकी, ये क्या है आपका, साउथ और ये है वेस्ट. तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी. चलिए यहाँ पे एक बार आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए. यहाँ पे आप लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करिए सी से लेकर जी तक, बी से लेकर जी तक. ठीक, तो ये इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सॉरी बी से लेकर आप सी तक करिए, सी टू जी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और सी टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये बताइए कमेंट सेक्शन में निकाल के. मे बी अंडर रूट में आंसर आया आप लोगों का. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें, एंड कभी भी नोटिफिकेशन आए तो चैनल को विजिट करते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे.